ओके बच्चों, तो अब हम लोग जो 14 टाइप की यूनिट सेल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके लिए एक टेबल आपको याद रखना है। उस टेबल को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। उन 14 यूनिट सेल्स को ब्रेवाइस लैटिसेस भी कहा जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो उन 14 को याद रखना जरूरी है क्योंकि जेई में, नीट में इसके ऊपर सवाल आपको मिलेंगे। जो 2002 में जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्ड में भी इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए, तो अभी आपको समझाता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो आप लोग कॉलम बनाएंगे वो होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का। सबसे पहला कॉलम किसका होगा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का होगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में आप लोग ये लिखेंगे जो मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं, सी टी ओ एच आर एम टी। ठीक है, इसमें से ये अपना सेपरेट होगा, ये तीनों को एक साथ ग्रुप बना दो, ये दोनों का ग्रुप बना दो, ये अपना सेपरेट होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये कैसे याद रखने का, अभी बताता हूं मैं। आप जा रहे हैं किसी चाय वाले की दुकान पर, तो वहां पर आप बोलते हैं कि चाय तो गर्म थी, तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं चाय तो गर्म थी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोलेंगे आप? चाय तो क्या थी? गर्म थी। इसमें जी कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया बात? समझ में आ रही है? तो मतलब टी ओ एच, तो समझ में आ गया, याद रखेंगे। तो चाय तो गर्म थी, इससे आप लोग याद रखेंगे, जिसमें जी कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप लोग ऐसे याद रखेंगे, देखिए चाय का सी आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर जी कुछ भी नहीं है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, टी आ रहा है। कुछ समझ आ गया? टी कुछ समझ आया? क्लियर है? तो याद कैसे रखना है इसको? चाय तो गर्म थी। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। ये सीक्वेंस में लिखने से टेबल आसानी से बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये क्या क्या है ये आपको समझा देता हूँ। ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लेना है आपको कि चाय तो गर्म थी। ठीक है ना, चले भी। अब इसके बाद क्या, ये जो सी है ना, ये सी आपका है क्यूबिक। क्या है बच्चों? सी सी है क्यूबिक। टी क्या है? टी है टेट्राहेड्रल। टी क्या चीज है? टेट्राहेड्रल आपका यूनिट सेल। ओ क्या है? ओ है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ओ क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। एच क्या है? एच है हेक्सागोनल। एच क्या है? हेक्सागोनल। ये याद हो गया ना, अगर चाय तो गर्म थी तो ये अपने आप लोग लिख लेंगे। आर क्या है? रोम्बोहेड्रल। क्या है ये? रोम्बो हेड्रल। ठीक है, एम क्या है? एम है आपका मोनोक्लिनिक। और टी आपका क्या है? ट्राइक्लिनिक। समझ आ गया? तो याद हो जाएगा, बहुत इजी है। चाय तो गर्म थी, उसमें सी क्या है? क्यूबिक है। टी ओ एच, टी ओ एच क्या है बताइए? टी क्या है? टेट्राहेड्रल। ओ क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। एच क्या है? हेक्सागोनल। उसके बाद क्या, गर्म में जी कुछ भी नहीं है। आर क्या है? रोम्बोहेड्रल। एम क्या है? मोनोक्लिनिक। टी क्या है? ट्राइक्लिनिक। थी ट्री ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, ट्राई क्लिनिक। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। इसके बाद आप सेकेंड कॉलम बनाएंगे। आइए सेकेंड कॉलम पे चलते हैं। सेकेंड कॉलम जो होगा वो होगा आपका रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी में क्या रिलेशन है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको जरा सा ऐसे बना देते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो। ठीक है, कुछ मिक्स नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, चलो भाई रिलेशन कैसे याद रखने का, बहुत आसान है। क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, तो इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। समझ आ गया? दूसरे वाले में क्या कर दो, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एक काट दो आखिर से। तीसरे वाले में क्या कर दो, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, दोनों काट दो। समझ आ गया? तो इतनी आसानी से हो गया ये। एक पहले वाले में क्या होगा, तीनों इक्वल, दूसरे वाले में क्या कर दो, लास्ट में से एक काट दो, तीसरे वाले में क्या कर दो, दोनों काट दो। समझ आ गया? हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल की बात करते हैं। हेक्सागोनल में क्या करने का, इसको छोड़ के उल्टा रिपीट करना है। अभी हेक्सागोनल के बाद से क्या करना है, यहां से इसको छोड़ देना है और उल्टा रिपीट करना है। अब क्या उल्टा रिपीट करोगे, ये अब इसको छोड़ दिया तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद क्या आएगा बताओ, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। को समझ आया? क्लियर है? उसके बाद मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक तो एसिमेट्रिकल होते हैं, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। वापस से ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए मेरे साथ में रिवाइज करिए। क्या किया हम लोगों ने, ये पहले कैसे लिखा बताओ, चाय तो गर्म थी, उसमें सी क्या है, क्यूबिक, टी ओ एच मतलब टेट्राहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल, उसके बाद गर्म में जी कुछ नहीं है, आर क्या है, आर क्या है, रोम्बोहेड्रल, एम क्या है, मोनोक्लिनिक, टी क्या है, ट्राइक्लिनिक। कैसे रिलेशन लिखोगे, सबसे पहला क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्यूबिक तो मोस्ट सिमेट्रिकल है, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, दूसरे वाले में एक काट दो, तीसरे वाले में दोनों काट दो। समझ आया? क्लियर है? उसके बाद आगे, आगे क्या है, मैंने क्या बोला, ये छोड़ के ऑर्थोरोम्बिक को छोड़,
छोड़ के उल्टा रिपीट करना है। तो ये आएगा A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C, उसके बाद क्या आएगा A इक्वल्स टू B इज इक्वल टू C, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, तो एसिमेट्रिकल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो तीनों के तीनों क्या होंगे इसमें? नॉट इक्वल। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? नेक्स्ट जो है आपका वो है वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा का अब आपको क्या करना है? वैल्यू लिखना है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे है। पहले तीन में अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 है, इतना आसान है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, कितना आसान है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, वापस से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, तीनों के तीनों क्या हो गए? 90 के इक्वल है। समझ आया? क्लियर है। इसके बाद हेक्सागोनल में आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। हेक्सागोनल में आपको याद ये रखना है कि एक एंगल 120 का होगा, गामा क्या होगा 120 का होगा, बाकी दोनों 90 का होगा, याद रखना है। हेक्सागोनल में एक एंगल क्या होगा? 120 का होगा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 और गामा इक्वल टू क्या होगा? 120। समझ आ गया? याद रखने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद रोम्बोइडल में याद रखिए, ये तीनों इक्वल है, ध्यान रखिए ये तीनों इक्वल है, तो वहां तीनों भी इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन वो तीनों 90 के इक्वल नहीं है। तीनों आपस में इक्वल है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। समझ आया? क्लियर है, ऐसे याद हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा याद रखना होता है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू यहां पर आपके पास क्या है 90, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल, ये अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 होता है। समझ आया? क्लियर है, इसको याद रखना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद ये तो एसिमेट्रिकल है, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है 90 के, ना इक्वल है ना 90 के इक्वल है। समझ आया? क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, इतनी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए वापस से देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले क्या बोला आपको मैंने? सबसे पहले आपको बोला मैंने चाय तो गर्म थी, यानी सी टी ओ एच, फिर जी आर एम, जी कुछ नहीं, आर एम, फिर टी, यानी क्या? सबसे पहले क्या आएगा? क्यूबिक, फिर क्या आएगा? टेट्राहेड्रल, फिर क्या आएगा बताओ? ऑर्थोरॉम्बिक, फिर क्या है उसके बाद? टी ओ एच है, टी ओ एच, टी एच ओ नहीं है, टी ओ एच, तो टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, उसके बाद क्या है? रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्लियर हो गया? ये हो गया। उसके बाद एबीसी में रिलेशन कैसे लिखोगे? पहले वाले में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दूसरे वाले में ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीसरे वाले में क्या आएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद क्या करना है हेक्सागोनल में? क्या करना है? इसको छोड़ के ऊपर दो रिपीट कर देना, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। उसके बाद क्या आएगा बताओ? उसके बाद दोनों के दोनों एसिमेट्रिकल है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, दोनों लास्ट में आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा में तो बहुत आसान है, पहले तीन तो क्या है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, पहले तीन तो वही आ जाएंगे। दूसरे वाले में हेक्सागोनल में क्या बोला? एक एंगल को क्या कर देना? गामा को 120, बाकी दोनों 90, कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद हो गया। इसके बाद इसमें क्या? यहां तीनों इक्वल है तो वहां तीनों भी इक्वल है, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है, और ये तो एसिमेट्रिकल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। बात समझ में आ गई? इतने आसानी से आप टेबल बना लेंगे, ये बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। इसके बाद पॉसिबल यूनिट सेल्स, पॉसिबल यूनिट सेल्स। अब ये जो चाय वाला है ना, जो चाय आप पिए, तो ये जो चाय वाला है ये बहुत थोड़ा सा एडवांस चाय वाला है। ये क्या करता है? ये आपको घर पे चाय डिलीवर कर देता है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको याद करना पड़ेगा। वो कॉन्टैक्ट नंबर याद करा देता हूं। और एक बात, 10 रुपए की चाय को ये 14 रुपए की बेचेगा, कब? जब ये आपके घर पे ला करके डिलीवर करेगा। समझ आ गया? क्लियर है। दोनों का भी रिलेशन समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले इसका नंबर याद करो, उसका नंबर क्या है? 3241121। समझ आ गया? इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 3241121, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। इन सबको देखो ऐड करके कितना होगा? 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो जाएगा 14 रुपए। कुछ समझ आ गया? तो ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और ये 14 रुपए क्या करेगा? जब वो होम डिलीवरी करेगा चाय की, तो 10 की चाय 14 में बेचेगा। क्लियर है। अब उसके बाद यहां पर सबके सब में जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे उसमें प्रिमिटिव तो होगा ही होगा। प्रिमिटिव यानी क्या? सिंपल वाला तो होना ही है। समझ आ रही बात? ठीक है ना, तो सिंपल वाला तो होना ही है, ठीक है। यहां पर 14, क्लियर है। तो ये अपने पास, अब जिसमें 1-1 है, तो जिसमें 1-1 है उनका तो काम बन गया, सिर्फ एक ही इसमें पॉसिबल था। इसमें तीन पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है? तीन पॉसिबल है। किसमें? क्यूबिक में। तो कौन कौन सा है? बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। इसमें दो पॉसिबल है, तो इसमें क्या है? बॉडी सेंटर, ठीक है। इसको अभी आपको पहले बताता हूं मैं, इसको मत करो, इसको चार करो। इसमें चारों पॉसिबल है, कौन कौन सा? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब जो 1-1 वाले उनका तो काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, या तो ये आपको याद करना ही है
क्यूबिक तो हम लोगों 95% केसेस में काम आएगा, तो उसमें प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ऑर्थोरॉम्बिक में तो चारों होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, समझ में आ गया, ये भी अपने को याद रहता है। अब यहां पर दो है, यहां पर दो है, तो बहुत सिंपल है, मुझे बताओ पहले बी आता है कि ई आता है, पहले बी आता है, तो यहां पहले वाले में दोनों में से पहले कौन आ रहा है, टेट्राहेड्रल, तो यहां बी सी लिख दो, और बाद में कौन आ रहा है, टू वाले में ई आता है, तो इधर पे ई सी लिख दो, हो गया काम, बन गया टेबल, क्लियर हुआ, कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ट्रिक है ये टेबल को याद करने का, आप कम से कम इसको 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये पूरा का पूरा टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल, इससे हम लोग आगे की चर्चा करने वाले हैं, क्लियर है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा, आई होप आपको याद करने में आसानी होगी।